हेलो दोस्तों, तो आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल के किसी भी सीट में ऑटो फिट फार्मूला लगा कैसे सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसकी सेल की जो हाइट और विड्थ होती है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसको हम ऑटो फिट कर देंगे या ऑटोमेटिकली ये जो है जैसे हम कोई वर्ड टाइप करते हैं वैसे वो सेट हो जाएगा जितना छोटा या बड़ा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एक्सेल सीट पे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीट वन सीट टू है, ठीक है। तो मैंने सीट वन पे ऑटो फिट कोड लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली कुछ भी टाइप करके। और जैसे ही मैं टाइप करता हूँ या इंटर करता हूँ तो देखिए हमारी जो कॉलम या सेल की विड्थ है वो एडजस्ट हो जा रही है, ऑटो एडजस्ट हो जा रही है। कहीं भी मैं इसको करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ये छोटा हो गया है और ये ऑटो एडजस्ट हो गया है, ठीक है। और इसको हम पूरी सीट पर कहीं भी, जैसे कि देखिए हम सबसे नीचे आ गए हैं, यहाँ पर भी किसी भी सेल में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरी सीट पर, ये हमारा है यहाँ पे ऑटो एडजस्ट। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के टाइप करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा इस सेल से इस सेल में भी चला गया है, डी सेल में है, D8 में, D9 में, ठीक है। तो ये D8 में हमने लिखा हुआ है, ये देखिए E8 में भी जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम सिंपली कितने तरीके से जैसे कि हम इसको हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हम यहाँ से भी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। देखिए ड्रैग कर देंगे पकड़ के कोने को यहाँ से भी ऐसे, ठीक है। और जहाँ से देखिए हम इसकी हाइट विड्थ कैसे हम सेट कर सकते हैं, देखिए कम हो गया था ये हम अधिक कर दें, देखिए बड़ा बॉक्स बन गया है एक हमारा, ठीक है। और एक और तरीका होता है कि कैसे हम सेट कर सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, होम टैब में, ठीक है। यहाँ देखिए फॉर्मेट दिख रहा है आपको, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है रो हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम नंबर टाइप कर देंगे अपना जितना चाहिए हमको, यहाँ पे पॉइंट तो मैं 50 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी मैं फिर से जाता हूँ फॉर्मेट में और यहाँ पे कॉलम विड्थ करता हूँ। कॉलम विड्थ में मैं डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, इसमें मैं 50 करता हूँ, तो देखिएगा क्या होता है। इंटर करते ही देखिए इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको ऑटो एडजस्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम सीट पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये एक बॉक्स हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे ये जो जर्नल है इसको हम यहाँ से क्लिक करके वर्कशीट पर कर लेंगे, ठीक है, वर्कशीट पर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक कोड टाइप करेंगे, वो कोड हमारा होगा सेल सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। देखिए जैसे हमने ई और एन टाइप किया है, यहाँ पे हमारा आ गया है इंटायर कॉलम, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे इस पर या फिर हम टैप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑटो फिट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया है ऑटो फिट, इंटर कर देंगे या डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारा देखिए ये जो सीट है ये ऑटो फिट पे हो चुका है। इसमें इसको हम क्या करेंगे कुछ भी टाइप करके देखिए करते हैं, ये ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो ऑटो एडजस्ट हो रही है, देखिए हो गया ना इसकी विड्थ। इस तरह हम इसकी हाइट के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रहेगा इंटायर रो, ओके। अभी हम देखिए एक तरीका और है हमारे पास, एक नई सीट ले लेते हैं कैसे हम सेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक साथ कई कॉलम्स या रो को सेट कर सकते हैं, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे सभी को और यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे, जिसको जितना ज़रूरत होगी वो उतना ले लेगा। बट ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम अपना डाटा रखते हैं उसके बाद ये सेटअप हमको करना पड़ेगा। अगर हम ऑटो फिट पे लगा देंगे तो हमको ये सेटअप नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उतना सेटअप ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो ओके, थैंक यू, ठीक है।